अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका नाम सर? रिटायर्ड मेजर फरीद। रिटायर्ड मेजर फरीद साहब, सर ये फरमाइएगा, मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तकरीबन 125 के करीब मुकदमा दर्ज हैं, आपकी राय क्या है, वो सही है या गलत है? पहली दफ़ा हम भी देख रहे हैं कि किसी एक बंदे के खिलाफ इतने FIRs कटें और सारे मुल्क में कटें, कभी नहीं हुआ था। और अब PTI के और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी भी PTI FIR कट रही है। मुराद सईद की कटी है, वो बेचारा क्या नाम है, जेई खान वाला, वो धक्के खा रहा है। तो ये हुकूमत तो बस और इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, ये हो रहा है। क्यों नहीं कराना चाहते इलेक्शन भाई? उनको अपनी हार नज़र आ रही है, अगर जीत नज़र आए तो आज ही करा दें। लेकिन या वो सर एक वक्त पे तो होना ही है ना, वो 6 महीने बाद हो, 4 बाद हो या साल बाद। भाई क्या 6 महीने क्यों करने, अभी क्या है? बात तो सीधी सी है कि 6 महीने बाद जो करें तो अब कराने में क्या है? क्या 6 महीने बाद बहुत हालात खराब बेहतर हो जाएंगे, ऐसे रहेंगे जैसे अमल शाह? सर ये अब देखें, जो 125 मुकदमात हैं उनकी नौयत पढ़े तो लगता है कि बड़े ख़तरनाक किस्म का प्लान है। मैंने तो पढ़े हैं काफ़ी सारे, उसमें से जो पर्चे दर्ज हैं, ये बताएं अगर ये पॉसिबिलिटी है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, पाबंदे सलासल कर दिया जाता है, तो क्या मंजरनामा देखते हैं आप? यही तो हमें भी परेशानी है, क्या होगा कि यही वो चाहते हैं कि एक दफ़ा ये सीन से आउट हो जाए, चाहे उसको कत्ल कर दें, चाहे उसको जेल में डाल दें, फिर इलेक्शन कराएंगे या खुलम खुलाएंगे। बस ये लोग निकलेंगे सड़कों पर? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो 13 मसखरों का टोला है इनके लिए कोई नहीं। अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो उनके हक में लोग निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। आप निकलेंगे? बिल्कुल निकलूंगा, कोई शक नहीं इसमें। यानी कि लोग मौजूदा हालात से तंग हैं? भाई तंगी की बात ये, तारीख में हम तो बूढ़े हो गए हैं, तारीख में हमें एक ही बंदा नजर आया जो ईमानदार है, जो मेहनती है, जो हार्डवर्किंग है और जो लीड कर सकता है, बाकी तो चूचू का मुरब्बा है। आपने सर्व किया बड़ा सा, देखें आपने कभी आज तक सुना है इसके लिए जितनी बेल्स हो रही जमानतें उसके लिए कितने लाखों रुपए जमानत के मांगे जा रहे हैं? नवाज शरीफ को 750 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भेज दिया, कोई जमानत नहीं। जो जामिन है वो वज़ीर आज़म है, उसको पकड़ते ही नहीं है, क्यों नहीं पकड़ते? कानून जब कहता है कि पकड़ो उसको, तो यहाँ तो ये हाल है। तो बाकी जो इन्होंने मुज़ाकरात किए वो हमें नज़र आ रहा था कि हमें ड्रामा हो रहा है, अल्टीमेटली ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाने हैं, वही हुआ। अब ज़िंदगी में पहले दफ़ा हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी चढ़ाई कर दी है। पार्लियामेंट किस तरह से सुप्रीम हो गई? सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से आगे मुख्तलिफ महकमे उससे बने हैं, तो सुप्रीम तो पार्लियामेंट हो ही नहीं सकती। चोर चक्कर लुटेरे उसमें हैं सारे, अनपढ़ किस्म के, वो कैसे सुप्रीम हो गए? सारे कब्जा ग्रुप हैं, पता नहीं किस तरह सुप्रीम करें। जज बनना कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने प्रॉब्लम ये की कि बहुत सारे जज अपनी मर्जी के लगाए वकीलों में से चुन के, अब ये जो टोले बन गए सुप्रीम कोर्ट में वो इस वजह से बन रहे हैं। अगर ये जैसे फ़ौज का तरीका है कि फ़ौज ही अपने सिलेक्शन प्रोसीजर में लोगों को ऊपर लाती है मेरिट पे, इन्होंने जुडिशरी को भी बिगाड़ के रख दिया। जुडिशरी का अपना सिस्टम होना चाहिए, पिकेट चूज़ का, अच्छे लॉयर्स को जहाँ से भी लेते हैं लेके जज बनाएं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड बंदा कोई जज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।